ब्रिंगस्टॉक जिसे लेकर आ रहे हैं रामायण के माता सीता और प्रभु श्री राम। जैसे पाली का किया था प्रभु ने छिपकर विनाश, वैसे ही लाखों बहने कर रही हैं शराब की लत का सर्वनाश। इस बार मैंने इनसे झगड़ा और बातचीत नहीं करी, बस रुक चुप चुप कर इनको दवाई देती रही। अभी सिर्फ 1.5 महीने ही हुए हैं, इन्होंने शराब पीना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मैं तो सभी महिलाओं को यही कहूँगी, ये बहुत शानदार दवाई है, तो आप भी जरूर के साथ मंगा लो और बचा लो अपना घर। अब आपके घर में भी होगा सुख और शांति का वास। अभी फोन कर अपने घर पर ही गुप्त रूप से प्राप्त करें ये आयुर्वेदिक दवा ब्रिंग स्टॉप। क्या बात है, सचमुच धन्य है ये। और इनके जैसी बहने जो ड्रिंक स्टॉप करने मतलब अपने पति की शराब की लत छुड़वाकर धर्म पत्नी का सच्चा धर्म निभा रही हैं। शराब की लत एक रोग है और संयोग से ड्रिंक स्टॉप जैसी आयुर्वेदिक औषधि मिल गई है। ये तो भगवान की कृपा से ही होता है ना अरुण जी? हाँ दीपिका जी, हाँ हाँ सीता दीपिका है। शराब की लत छुड़वाना एक बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि शराबी व्यक्ति स्वयं तो कभी शराब छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसे में केवल एक ही अचूक उपाय काम आता है और वो है ये दवा ड्रिंक स्टॉप। क्योंकि इसे आप शराबी को बिना बताए खाने में, नाश्ते में, यहाँ तक कि चाय में भी मिलाकर दे सकते हैं और इसका प्रभाव आप खुद सुन लीजिए। अब आप ही सोचो कि जो आदमी बच्चों की फीस के पैसे चोरी कर करके दारू पी जाए वो भी कोई मर्द होगा, पर ऐसा आदमी 1 महीने में लाइन पे आ गया वो भी तो ड्रिंक स्टॉप से, और रोज राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर बोलते हैं कि अब से कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ड्रिंक स्टॉप से हमारी 20 साल पुरानी दारू की लत छूट गई। अरे कोई की भी छूट सका थे, चाहो तो लिखवा के ले लो। मैंने चुपचाप खाने में, चाय में ड्रिंक स्टॉप मिलाकर देना शुरू कर दिया। आज पीना तो दूध पीने वाले दोस्तों का फोन तक नहीं उठाते हैं। ये संसार की एकमात्र दिखाई न देने वाली अदृश्य दवा जिसे शराबी व्यक्ति को बिना बताए दिया जाता है और कुछ ही दिनों में उसे शराब से घृणा, शराब से नफरत हो जाती है। इसीलिए आज लाखों बहने इसे गुप्त रूप से मंगवा कर उसे नाश्ते, भोजन, चाय पानी में चुपचाप मिलाकर अपने